नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक विषय ऐसा है कि जो विषय काफ़ी लोगों को उकसा रहा है एडमिशन लेने के लिए, काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है और उसका एक मिसयूज हो रहा है अभी मार्केट के अंदर। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो है MBBS इन USA। MBBS इन USA अगर हम लोग बात करें वो पूरा डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोगों ने वो प्रोसेस को इतना मरोड़ के रख दिया है कि वहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझते हैं US के और अपनी एजुकेशन सिस्टम से उसको कंपेयर करते हैं तो हमको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि MBBS इन USA एक्चुअली क्या है और क्या प्रमोट किया जा रहा है। ये विषय को चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ स्टेट के अंदर शायद हिंदी लोग ना समझ पाए तो उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमारे लोकल एसोसिएट भी मौजूद है जो आपको वहाँ की लैंग्वेज में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। और ये समझना खास ज़रूरी है, MBBS USA के बारे में या कनाडा के बारे में या जब हम लोग बात करते हैं, सी MBBS इन USA एक ऐसा टिपिकल प्रोसेस है। टिपिकल क्यों? क्योंकि US के अंदर MBBS को एज ए प्राइमरी डिग्री काउंट नहीं किया जाता है, वहां पे आपका PG होता है तो PG को ही काउंट किया जाता है। वैसे ही ऑलमोस्ट हरे पांचों कंट्री है, जो पांच कंट्री में बोल रहा हूं, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड UK, ये पांच कंट्री के अंदर PG को प्राइमरी डिग्री काउंट किया जाता है, नहीं कि MBBS को। तो सबसे पहली चीज़ है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ MBBS करने से आप वहाँ पे डॉक्टर नहीं बन सकते। दूसरी बात आती है, इंडिया के अंदर आपको MCI नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बोलने वाले काफ़ी सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन वो कब नहीं देना पड़ेगा? जब आप PG वहाँ से कंप्लीट करके आते हैं तो। उसका मतलब ये नहीं कि आप MBBS कर लिया और यहाँ पे इंडिया आ गए तो आपको एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप जो यूनिवर्सिटी से करके आ रहे हैं वो कितने भी बड़े कंट्री की यूनिवर्सिटी हो, लेकिन MCI अप्रूव्ड नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने का चांस नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी हमेशा आप MBBS US में कर रहे हो तो WHO एज वेल एज MCI अप्रूव्ड होनी ज़रूरी है। हम आज कुछ विस्तृत इस लेवल की बात करेंगे जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं की। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर वो चर्चा करेंगे कि MBBS इन USA की सिस्टम क्या है। सी मार्केट में कोई भी बंदा आके आपसे कोई भी चीज़ें प्रमोट करेगा आपको अच्छी लगेगी, रीज़न क्या है कि आपने वो चीज़ देखी नहीं है, आप जस्ट ड्रीम कर रहे हो वो चीज़ को। वो ड्रीम करने से वो चीज़ वैसी ही मिलेगी, वो चीज़ गलत है। ड्रीम आपको दिखाया जा रहा है, आप वो ड्रीम पे बिलीव कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जब जा रहे हो तो आपको हो रहा है महसूस कि ये तो चीज़ सरासर गलत बोली गई है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, इंडिया में क्या हो रहा है दिन वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे USA MBBS का सिस्टम क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर 10+2 का पार्ट रहता है, 10वीं किया, 2 स्टैंडर्ड का पढ़ाई किया, 12 हो गया आपका कंप्लीट। US के अंदर उसको अलग से बोला जाता है, वहाँ पे 10+4 का सिस्टम है। 10वीं करने के बाद 4 ग्रेड आपको क्लियर करना है, 11 ग्रेड, 12 ग्रेड, 13, 14। उसके बाद आप बैचलर के अंदर मीन्स के MBBS के अंदर एडमिशन ले सकते, उसके MBBS को बोला जाता है मेडिकल डिप्लोमा।
एमडी, नहीं कि एमबीबीएस। तो वो डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आपका पहले ये पार्ट क्लियर होना चाहिए, जो सबसे पहला अपना इंडियन करिकुलम के साथ मैच नहीं होता है। जो मेडिकल स्कूल रहता है वो बोर्ड यूएस के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, एनबीएमई बोर्ड बोलते हैं जो आप बोलते हैं मेडिकल स्कूल एडमिशन बोर्ड, जो बोर्ड का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि जो भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री अचीव कर रहे हो वो एक्रेडिटेड होनी जरूरी है। WHO accreditation होना चाहिए, FMGE होना चाहिए। accreditation नहीं होगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रीमेड कोर्स बोला जाता है जो MBBS से MD से पहले किया जाता है। प्रीमेड कोर्स किस में करना होता है, ऐसा नहीं है कि BSc आपने नॉर्मल केमिस्ट्री कर लिया, बायोलॉजी कर लिया। प्री मेडिकल कोर्स जो होता है वो प्री मेडिकल होता है, बायोलॉजी होता है एंड एक्सरसाइज साइंस होता है। ये तीन में से कोई एक होना चाहिए आपके पास इन द बैचलर डिग्री। अदरवाइज बीएससी में काफी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ये कोर्स आपने किए होने जरूरी है अगर आप यूएसए एमबीबीएस करना चाहते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है जैसे अपने इंडिया में नीट का एग्जाम है, वैसे यूएस के अंदर मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट बोला जाता है, एमकेट का एग्जाम होता है। वो एमकेट का एग्जाम जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, लाइक द नीट। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो आपको क्वालिफाइड करना जरूरी है। 4 CGPI होता है, उसमें से 3.7 लाना होता है, जो कि यूएस के बच्चे भी कई बार अचीव नहीं कर पाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, यूएस के बच्चे भी क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। सिर्फ ड्रीम होता है बच्चों का डॉक्टर बनना, लेकिन हर कोई डॉक्टर बन पाएगा ये बात बोलनी मुश्किल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, एमकेट की एग्जाम होती है, वो आप पास कर लिए, ओके। उसके बाद आपका अप्लाई होता है एमकास के द्वारा। एमकास क्या है, अमेरिकन मेडिकल कॉलेज एप्लीकेशन सर्विसेज। वहाँ पे आपका एप्लीकेशन होता है, एमकेट पास करने के बाद वो एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आपकी भेजी जाती है, उसके बेस पे आपको वहाँ पे एमडी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एमकेएस जो होता है वो अपने इंडिया में जो होता है सेंट्रली प्रोसेस होता है, एक जगह पे होता है कि वहाँ से पूरा डिफाइन किया जाता है। वहाँ पे प्रोसेस डिफरेंट है, आपका एप्लीकेशन कलेक्शन एक जगह पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से अलग अलग इंस्टीट्यूट में किया जाता है और वो इंस्टीट्यूट के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। आपका चॉइस फिलिंग होता है, वहाँ पर आपने चॉइस फिल किया है, उसके बेस पर आपको इंस्टीट्यूट एलोकेट किया जाता है। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत बड़ी चीज़ मायने रखता है वहाँ पर, क्या कौन सी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहे हो, कौन से सिटी में जा रहे हो। सो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एडमिशन लेने के बाद ये जो पाथ होता है एमबीबीएस का, वो डिवाइड होता है 4 साल के अंदर। डिवाइड क्या होता है, एक क्लासरूम बेस्ड स्टडी होता है और दूसरा जो होता है वो क्लिनिकल रोटेशन पार्ट होता है। ये दो पार्ट में ये चीज़ डिवाइड होती है। अभी इस पर बात आते हैं हम लोग दूसरी बात पे। जैसे मैंने आपको बोला था कि MBBS इट्स नॉट अ प्राइमरी डिग्री इन द US। US के अंदर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो PG क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो PG के लिए क्या करेंगे आप, PG के लिए अगेन दूसरा एक पड़ाव आता है जिसको बोलते हैं USMLE, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। USMLE के टोटल 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला होता है USMLE 1, जो कि होता है थियोरिकल बेस, जो पहले 2 साल में आपने पढ़ाई किया है उसके बेस पे होता है। सेकंड आता है USMLE 2, एक होता है क्लिनिकल नॉलेज एंड दूसरा होता है क्लिनिकल स्किल्स। अगेन क्लिनिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द थियोरी, बट क्लिनिकल स्किल जो होता है वो रिक्वायर्ड है कि आपने क्लिनिकल रोटेशन किया हो, तभी जाके आप उसको क्वालिफाइड कर पाएंगे।
रीज़न क्या है, इंडिया का मेडिकल सिस्टम यूएस का मेडिकल सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हम कोई हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई अस्पताल में जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे डॉक्टर कैबिन के अंदर बैठा होता है, हम लोग बाहर रिसेप्शन पे वेट करके बैठते हैं, हमको वन बाय वन अंदर जाना पड़ता है। यूएस का सिस्टम डिफरेंट है, पेशेंट कैबिन में बैठा होता है, डॉक्टर वहाँ पे आता है सामने से, उनके लिए काउंसलिंग चैम्बर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, डायरेक्ट काउंसलिंग चैम्बर में अलग अलग पेशेंट होता है, डॉक्टर खुद जाता है वहाँ, मीन्स वहाँ पे जो है पेशेंट है वो करता रहता है, पेशेंट ऑल एंड सॉल है। अगर पेशेंट ने एक भी कंप्लेन कर दी डॉक्टर के खिलाफ तो डॉक्टर का लाइसेंस जब्त हो जाएगा पूरे लाइफ के लिए, नहीं कि एक दो महीने के लिए। इंडिया में अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम लोग देखेंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखेंगे, डॉक्टर पेशेंट से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। यूएस के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर एज ए ह्यूमन राइट्स कोई भी डॉक्टर आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर डॉक्टर आपको एक बार इंस्ट्रक्शन देता है, आप कई बार दूसरी बार पूछेंगे तो गुस्सा भी हो जाएगा। यूएस के अंदर या कनाडा के अंदर डॉक्टर को चीज़ रिपीट करनी पड़ती है 3 से 4 दफ़ा समझाने के लिए, और वो भी पोलाइटली। सो ये सब स्किल अपने इंडियन ब्लड के अंदर नहीं होती है, तो उसके लिए रोटेशन आपने किया होगा तभी जाके आप क्लिनिकल स्किल क्वालिफाइड कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्लिनिकल स्किल इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर करिकुलम, वो जितना आपने बेटर किया होगा उतना आपको बेटर एक्सपोजर मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेसिडेंसी मैच। आपने यूएसएमएलई 2 CS क्लियर कर लिया, अब जब आपका फाइनल ईयर होता है मेडिकल का, उस टाइम पे आपको आपको जो स्पेशलिटी ऑप्शन चाहिए उसके हिसाब से आपको मैचिंग करना पड़ता है, क्योंकि पीजी होता है वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी होती है हॉस्पिटल्स भी होता है, आप कहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हो। यहाँ पे जैसे हमारा नीट के स्कोर के बेस पे हमको पता चलता है कि कौन सी जगह पे कहाँ पे हमको एडमिशन मिलेगा, वैसे ही यूएस के अंदर सिस्टम होती है। आपका यूएसएमएलई 1 का स्कोर क्या है, यूएसएमएलई 2 का स्कोर क्या है, सीएस का स्कोर क्या है, सीके का स्कोर क्या है, बेस्ड ऑन दैट आपको कौन सा पीजी ब्रांच मिल सकता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल एडवाइस लेने की जरूरत रहती है। दूसरी बात आती है एलओआर। आफ्टर द सेकंड ईयर अगर आप रोटेशन कर रहे हो वहां पे आता है इलेक्टिव रोटेशन, 80 वीक्स ऑफ इलेक्टिव रोटेशन आपको करना जरूरी होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में करना होता है। इलेक्टिव रोटेशन बेसिकली क्या होता है, इलेक्टिव रोटेशन होता है कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर जो होता है स्पेशलाइज, दो टाइप का रोटेशन होता है, एक होता है ऑब्जर्वेशनशिप और दूसरा होता है हैंड्स ऑन। तो बेसिकली हम लोग एडवाइस करेंगे कि ऑब्जर्वेशनशिप को अवॉइड करें, हैंड्स ऑन को पहला चांस दें। रीज़न क्या है, ऑब्जर्वेशनशिप में क्या होता है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा रहता है उसको आप सिर्फ स्टडी कर पाओगे, डॉक्टर के साथ शेडोइंग कर पाओगे, मीन्स डॉक्टर जो काम करेगा उसे देख पाओगे, आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। जो हैंड जोन होता है उसके अंदर आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि जब भी आप रोटेशन ले रहे हो तो इलेक्टिव रोटेशन ले तो हैंड जोन ले, नहीं कि ऑब्जर्व ले। हाँ, कुछ कुछ ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे ऑब्जर्वेशन सिर्फ ली हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने डर्मेटोलॉजी ले लिया, जहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट है, स्किन को आप टच कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे इंटरनल पार्ट में आपको कोई स्टडी नहीं करनी, जो आउटर पार्ट वाला जो पार्ट है फार्माकोलॉजी ले लो या फिर आप थर्मेटोलॉजी ले लो, वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशनशिप कर रहे हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपको करना है सर्जरी, आपको करना है कार्डियोलॉजी, अगर आपको करना है न्यूरोलॉजी, जो भी अगर आपको ये सर्जिकल लेवल की ब्रांच करनी है तो आपको हैंड जोन करना है ज़रूरी है। और दूसरी बात, जितने बड़े हॉस्पिटल से आपने इलेक्टिव रोटेशन किया होगा उतना बड़ा आपको एक एडवांटेज रहेगा ऑन द टाइम ऑफ मैचिंग, क्योंकि यूएस के अंदर सिस्टम रहता है एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कितने अच्छे हॉस्पिटल से कितने बड़े डॉक्टर से आपको एलओआर मिला है वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। आप इंडिया से 500 लेटर ले जाओ, दूसरी कोई कंट्री से 1000 लेके आओ, लेकिन यूएस का जो लेटर होता है उसका 90% वैल्यू होता है अगेंस्ट अदर। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि इलेक्टिव रोटेशन को आप खास सीरियसली लेने की ज़रूरत है।
अभी उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट ऐप जो आता है, वो आता है USMLE 3। USMLE 3 जो आता है पार्ट, वो एक्चुअली कवर करता है क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड एसेस द डॉक्टर्स एबिलिटी। आप कितनी अच्छी तरह मैनेज कर पा रहे हो, आपका एबिलिटी क्या है, आप मेडिसिन का प्रैक्टिस कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं और कितना सेफ्टी रख रहे हैं पेशेंट के साथ, आपका इफिशियंसी क्या है, ये सब चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। कई बार क्या होता है 24 आवर्स का ड्यूटी भी आ जाता है, डॉक्टर आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है 24 आवर्स आपने नींद नहीं ली होती है, उस कंडीशन में आपका प्रैक्टिस लेवल क्या है, आपने ट्रैवल किया है कहीं पे 12 घंटे का, सपोज आप सर्जन हैं, आपको कहीं पे ज़रूरत है जाने की, कोई दूसरी सिटी में जाके सर्जरी करनी है, ट्रैवल करने के बाद तुरंत आप क्या कर पा रहे हो काम, कई बार वो मेंटल इफेक्ट रहता है आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर। तो वो सब चीज़ें, आप कितने इफिशियंस है, पेशेंट के साथ कितना सेफ्टी रख रहे हो, आपका पोलाइटनेस क्या है, ये सब चीज़ें USMLE 3 में वर्कआउट होती है। तो US के अंदर अगर PG करना है, US के अंदर आपको MBBS करना है, US के अंदर डॉक्टर बनना है, तो ये लेवल तक का आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। दूसरी बात, ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी काउंट करेंगे तो 4 साल का आपका BS है, 4 साल का आपका MD है, 8 साल तो ये हो गए, उसके बाद आप PG कर रहे हो तो PG 3 साल से लेके 6 साल तक का हो सकता है, डिपेंड ऑन द ब्रांच। तो अगेन वो मीन्स 11 साल कंप्लीट स्टडी करेंगे तब जाके आप डॉक्टर बनोगे। हाँ, अर्निंग पार्ट आपका 8 साल के बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका PG शुरू होता है उस टाइम पे, आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन उससे पहले जो एक्सपेंस आपका लग रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। सी, US के अंदर MBBS कर रहे हो तो BS का अगर कोर्स का हम लोग काउंट करेंगे, मिनिमम भी $20,000 to $25,000 फीस रहेगा, तो 4 साल का तो $100,000 फीस हो जाएगा। उसके बाद MD आप कर रहे हो, उस टाइम पे भी आपका खर्च लगना है, मीन्स करीबन 1.5 करोड़ के आसपास का आपका खर्च लगना है। उसके बाद आपका अर्निंग पार्ट शुरू होता है, वो भी कंप्लीशन ऑफ द USMLE। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द USMLE यू विल गोइंग टू स्टार्ट द अर्न मनी। सो उससे पहले तो आपको सिर्फ पैसा डालना ही है वहां पे। कंप्लीशन ऑफ द USMLE 3 आपका मेडिकल लाइसेंस जो होता है वो स्टेट लेवल बोर्ड से आपको दिया जाता है, आप जिस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हो वो स्टेट से आपको लाइसेंस दिया जाता है, और हर एक स्टेट का US के अंदर डिफरेंट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रहता है। तो जिस स्टेट में आप जा रहे हो वो स्टेट का लाइसेंस दूसरे स्टेट में वैलिड होगा कि नहीं, वो पहले से आपको पता होना जरूरी है। उसके बारे में भी हम लोग स्टेट वाइज भी एक टॉपिक बनाएंगे, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे। अभी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, आपका PG, आपका लाइसेंस हो गया, सब हो गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है सिक्योरिंग द जॉब। हॉस्पिटल में आप अप्लाई करके, या फिर कई लोग क्या होता है कि जहाँ पे वो रेसिडेंसी कर रहे होते हैं वहाँ पे जॉब उनको मिल जाती है। अभी हमने जो रेसिडेंसी की बात की थी, अलग अलग उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। अगर हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो पीडियाट्रिशियन जो रहता है उसका 3 इयर्स का होता है, यूरोलॉजी होता है उसका 5 इयर्स का होता है, वैसे अलग अलग ब्रांच के हिसाब से अलग अलग उसका रिक्वायरमेंट रहता है। अभी हमने अभी तक जो बात किया वो US के MBBS के बारे में किया, किस तरह से आपको एडमिशन मिलता है, कितना एक्सपेंस लगता है, ये सब बात है। अब इंडिया में बेसिकली क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर MBBS US के नाम पे हज़ारों यूनिवर्सिटी की एड चल रही है, अलग अलग यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें से एक भी यूनिवर्सिटी US की नहीं है, तो भी पेरेंट्स मिसगाइड हो रहे हैं। रीज़न क्या है, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है भाई 2 साल बच्चा आपका पढ़ाई करेगा कैरेबियन के अंदर। कैरेबियन क्या है, कैरेबियन इट्स अ वेस्ट इंडीज। अगर नाम वेस्ट इंडीज बोला जाए तो कोई भी भेजने को तैयार नहीं होगा, इसके लिए उसका नया नाम इन्वेंट कर दिया गया, कैरेबियन आइलैंड।
अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे बैक पे पीछे स्क्रीन के पीछे आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली क्या कंडीशन है कैरेबियन की, और तो भी पेरेंट्स मिसगाइड होके सब बच्चों को वहां पे भेज रहे हैं और सब जा भी रहे हैं। हर साल करीबन 2 से 3 हजार बच्चे जा रहे हैं कैरेबियन के अंदर, मेरे हिसाब से अगर देखने जाए तो। अगर एक यूनिवर्सिटी में भी 100 बच्चे काउंट कर ले तो करीबन 15 से 20 यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रमोट हो रही है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि भी नेपाल के अंदर MBBS किया है 3 साल और 1 साल इंडिया में किया है, तो उसको आप कौन सा MBBS बोलेंगे, नेपाल का बोलेंगे कि इंडिया का बोलेंगे? अब बट नेचुरल है, वो नेपाल ही बोलेंगे आप, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है MBBS इन USA, जो कि प्राइमरी कंट्री है ही नहीं। अगर MBBS इन USA इतना एक्सपेंसिव है तो कैरेबियन के अंदर US के बच्चे खुद नहीं जाते, उनको तो सस्ते में हो जाएगा काम, 50 लाख में MBBS हो रहा है उनका, उनको तो वहाँ पे वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा के सोचने की ज़रूरत है कि अगर कैरेबियन इतना अच्छा ऑप्शन होता तो कैरेबियन तो US के बगल में आया हुआ है, तो US के सिटीजन क्यों कैरेबियन नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कुछ ही जगह पे जा रहे हैं, 1 या 2 जगह पे। वो यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक यूनिवर्सिटी का डिटेल पोस्टमार्टम किया गया है इस बार, और हर एक यूनिवर्सिटी का आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग देने को प्रयत्न करेंगे। एक भी यूनिवर्सिटी को हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। कैरेबियन की अगर बात करेंगे आप, कैरेबियन इज व्हाट, इट्स ए ड्रॉप वाटर जोन। अगर कोई मरीन का बंदा है तो उसको आप पूछिएगा कि व्हाट इज द ड्रॉप वाटर जोन। ड्रॉप वाटर जोन वो पोर्शन है पूरे वर्ल्ड का जहाँ पे जो भी स्टीमर्स जाती है पूरे सीवेज होता है उसको गिराया जाता है, उसके अंदर ऑयल भी होता है या ह्यूमन वेस्ट भी होता है, सब चीज़ें वहाँ पे खाली की जाती है। वहाँ पे अगर पानी बोरिंग से निकाला जाएगा तो वो काला पानी निकलेगा, नहीं कि प्योर वाटर मिलेगा, दिखेगा आपको ब्लू लेकिन निकलेगा काला पानी। एग्रीकल्चरल वाटर रिसोर्स जो कि पीने के लायक का पानी माना जाता है, वो अगर आप पानी देखेंगे तो वो पानी भी वहाँ पे लेवल बहुत कम है। आपको सर्च करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कैरेबियन जो है उसके अंदर हम लोग वन बाय वन एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ एजुकेशन या फिर लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ का क्या है, और इज इट सेफ और नॉट, वो आपको बाद में डिसाइड करना है, पहले आप एक एक यूनिवर्सिटी को समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग MCA के अंदर जो जो यूनिवर्सिटी लिस्टेड है वो सभी यूनिवर्सिटी को कवर करने को ट्राई किया है, और वो हर एक यूनिवर्सिटी का जो भी है ट्राई किया गया है कि एक्सपेंस तक भी आपको हम लोग बता पाए। सबसे पहले बात करेंगे सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी, काफी पुराना यूनिवर्सिटी है, 1977 में एस्टैब्लिश हुआ था। बात करेंगे अगर पॉपुलेशन की, 1,08,000 पॉपुलेशन है एज पर लास्ट ईयर डेटा। करेंसी रेशियो जो है US डॉलर के कंपैरिजन में 26.45 रुपीज है, मीन्स इंडिया से काफी बेहतर है, करेंसी नजदीक है तो उसको वो चीज तो इफेक्ट करने वाली है। कोर्स ड्यूरेशन जो है वहां पे 4 इयर्स का है। दूसरी बात अगर सेंट जॉर्ज की मैं बात करूं तो अगर US सिटीजन को वहां पे एडमिशन लेना है तो MCAT क्वालिफाइड होना जरूरी है। दैट मीन्स कि सेंट जॉर्ज जो है वो US के स्टैंडर्ड को मैच करके चल रही है। एक्सपेंस की अगर बात करेंगे हम लोग तो करीबन 2 करोड़ के आसपास का खर्च लगेगा। हम लोग जो पीछे पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, एक्चुअली उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हमने दिखाई है
जिससे आपको वो कंट्री का लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड भी पता चल जाएगा। वो पिक्चर आप खास ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी चीज वहां से आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मैं सेंट जॉर्ज की बिल्डिंग की बात करता हूँ कंपेयर टू अदर कैरेबियन यूनिवर्सिटी, इट्स नंबर वन, मैं मानता हूँ। अगर मैं कंपैरिजन करूँगा दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, उसका रीज़न दूसरा भी है, क्योंकि सेंट जॉर्ज जो एक्सेप्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एमकेट क्वालिफाइड बच्चों को कर रहा है। मीन्स आपके साथ जो ग्रुप मैनेज होगा वो एक क्वालिटी लेवल का ग्रुप रहेगा। दूसरा, एक्सपेंस जिस तरीके से वो लोग ले रहे हैं उस तरह से सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, मीन्स उसका लेवल ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी बेटर है। लेकिन वहाँ पर आपके पास इतना एक्सपेंस करने का कैपेसिटी होना ज़रूरी है। इंडिया से दुगना चार्ज आपका लग रहा है। सेंट जॉर्ज केमएचपी अप्रूव्ड है, ईसीएफएमजी अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है, एमसीआई अप्रूव्ड है और वर्ल्ड रैंक में भी अप्रूव्ड है। केमएचपी की अगर मैं बात करूँ, कैरेबियन एक्रेडिटेशन बोलते हैं उसको, जैसे अपने इंडिया में एमसीआई रहता है वैसे कैरेबियन रहता है। कई लोग बोलेंगे कैरेबियन की क्या ज़रूरत है, अगर इंडिया में आप कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और वो एमसीआई अप्रूव्ड नहीं है, मैं आपको बोलूँगा एमसी अप्रूव की क्या जरूरत है, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है तो चलेगा, नहीं चलेगा। लाइक दैट कैरेबियन एक्रेडिटेशन जो है कैरेबियन कंट्री को लागू होता है, तो कैरेबियन एक्रेडिटेशन नहीं है दैट मींस कि वो फ्रॉड है। तो केएमएचपी इसका जो है 2019 तक का था, वो में भी शायद रिन्यूअल भी हो रहा होगा, तो वो शायद अगर 5 साल तक एक्सटेंशन मिल जाएगा उसको। अब जो पिक्चर है पीछे वहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका ज्योग्राफी लेवल क्या है, किस लेवल की पॉपुलेशन है वहाँ पे, किस लेवल का एयरपोर्ट है। कोई भी कंट्री होती है उसके एयरपोर्ट से उसका लेवल पता चल जाता है, तो आप उसके एयरपोर्ट का पिक्चर भी पीछे देख सकते हैं। शॉपिंग मॉल किस लेवल के हैं, रेस्टोरेंट है कि नहीं है, मैप आप देख लीजिए, दरिया के बीच में आया हुआ यूनिवर्सिटी है और जो है वो वेस्ट इंडीज पीपल का कम्युनिटी है वहाँ पर। सेंट जॉर्ज जो आया हुआ है बेसिकली ग्रेनेडा में आया हुआ है। ग्रेनेडा का अगर हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर वाटर होता नहीं है कैरेबियन में, तो जो चीज़ें होगी वो एक्सपेंसिव रहेगी कंपेयर टू इंडिया। हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों का ट्राई किया है प्राइस लेने के लिए, और जिस वेबसाइट के रेफरेंस से सब प्राइस सब निकाला हुआ है वो वेबसाइट भी हम आपको बताएंगे एंड पे, तो उससे आपको पता चल जाएगा, आप खुद भी कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या आता है, तो आता है मिल्क। मिल्क का रेट क्या है वहाँ, 162 रुपीज पर लीटर, अप्रोक्स 3 गुना ज़्यादा है या 4 गुना कंपेयर टू इंडिया। राइस की बात करेंगे 82 ऑलमोस्ट इंडियन राइस बोल सकते हो। एप्पल की बात करते 311 रुपये, मीन्स अगर मैं बात करूँगा 4 गुना महंगा है। बनाना 157 रुपीज, तो आप देख सकते हैं 157 मीन्स इंडिया की प्राइस से कंपेयर करेंगे तो करीबन 7 गुना महंगा है। ऑरेंज 197 मीन्स 3 गुना जितना महंगा हो जाता है। टोमेटो 327 मीन्स करीबन 10 गुना महंगा हो जाता है। आलू जो है पोटैटो वो है 93.81 मीन्स 3 गुना महंगा है। ओनियन 97 रुपीज़ वो भी 3 गुना महंगा हो जाता है। वाटर जो है यस इट्स कंपेयर टू इंडियन प्राइस 24.21 रुपीज़। गैसोलीन दैट मीन्स कि पेट्रोल, उसकी बात करेंगे 101 रुपया मीन्स 30 से 40 रुपया महंगा चल रहा है। इंटरनेट जो है काफ़ी महंगा है, करीबन 9300 रुपीज़ पर मंथ मीन्स अपने इंडिया से करीबन 20 से 30 गुना ज़्यादा महंगा है, जो कि अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों की वहाँ पे जाने के बाद पेरेंट्स से बात करने के लिए एज वेल एज वहाँ पे स्टडी करने के लिए। अपार्टमेंट अगर आप प्राइवेट लेने जा रहे हो तो US का स्टैंडर्ड वहाँ पे मैनेज हो जाता है, तो वहाँ पे रेट भी ऊँचा ही रहेगा, करीबन 32,000 रुपीज़ जितना चार्ज लगता है अपार्टमेंट का पर मंथ का सिंगल बेडरूम। क्रिमिनल इंडेक्स की मैं बात करूंगा तो इट्स बेटर लाइक इंडिया, इट्स 31.25 और सेफ्टी इंडेक्स अच्छा है, इंडिया जैसा ही है ऑलमोस्ट 68.75। तो अगर ऑप्शन की बात करें ग्रेनेडा इट्स अ बेटर ऑप्शन एंड ओल्डेस्ट ऑप्शन इन द क्रेबियन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोज़ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, बारबाडोस में आया हुआ है, 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको भी अगर मैं बात करूंगा तो
करीबन करीबन ये सेंट जॉर्ज को बीट कर सकता है लेवल ऑफ एजुकेशन, इट्स बेटर कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी. पुराना है मीन्स स्टाफ भी पुराना है, तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं. आप रोज में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी एक्सपेंस आपका 1.5 टू 1.7 आना है. ये जो एक्सपेंस हम लोग बोल रहे हैं, ये एक्सपेंस को अंदर दूसरा खर्च भी आपका ऐड होना है जब आप यूएस में जाएंगे, जब आप इलेक्टिव रोटेशन करेंगे. इलेक्टिव रोटेशन होता है 80 वीक्स का जो होता है, 80 वीक्स अगर काउंट करेंगे तो करीबन आपका 20 महीना लगता है. 20 महीना आप काउंट करेंगे तो एक महीने का $3,000 से $4,000 आपको काउंट करके चलना है. वो आपका एडिशनल एक्सपेंस लगना है इलेक्टिव रोटेशन में. कई जगह पे 1,500-2,000 में भी होता है, लेकिन फिर वो हॉस्पिटल उस लेवल की मिलेगी. तो बेटर है अच्छा हॉस्पिटल आप काउंट करके चलो, 3,000 भी आप लेके चल रहे हो तो 20 महीने का $60,000 आपका होना है. वो दूसरा एडिशनल एक्सपेंस है. तो अगर रोज यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करेंगे, बारबाडोस की 4 ईयर्स का करिकुलम है, उसका करेंसी की बात करेंगे 35.02 है, बेटर देन इंडिया बट नॉट बेटर देन ग्रेनेडा. पॉपुलेशन जो है 2.86 लाख है. एक्रेडिशन है कैमएचपी से 2019 तक का, लाइक सेंट जॉर्ज. ECFMG अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है, MCA अप्रूव्ड है, एंड वर्ल्ड रैंक के अंदर जो उसका रैंक है वो 5503 है. फोटोज आप पीछे देख सकते हो बैकग्राउंड में, उससे आपको पता चल जाता है कि किस लेवल का कंट्री है, क्या है. पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं कंपेयर टू सेंट जॉर्ज, मीन्स प्रैक्टिकल लेवल आपको अच्छा मिलेगा. पॉपुलेशन को क्यों मैं काउंट कर रहा हूँ, से आप एक सिंपल सी बात समझिए कि 3 लाख पॉपुलेशन है, मीन्स जो बीमारी का रेशियो रहता है 1% भी काउंट करता है, तो उतने पेशेंट का फ्लो आपको मिलना चाहिए. लेकिन रोज यूनिवर्सिटी में दिक्कत कहाँ पर आएगी, बारबाडोस में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आई होंगी जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. अगर रोज के बाद हम लोग बात करेंगे तो द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बारबाडोस काफ़ी नया यूनिवर्सिटी है. बजट यहाँ पर बहुत कम बताया जाता है आपको, 50 से 60 लाख का. लेकिन अगर आप US के अंदर यही करने जा रहे तो सब खर्चा मिला के 1.2 to 1.3 crore आपका खर्चा लगना है. यूनिवर्सिटी है, एक्रेडिशन अभी जस्ट मिला हुआ है 2020 तक का, वो इनिशियल प्रोविजनल एक्रेडिशन है. मीन्स अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो वो एक्रेडिशन कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा है. ECFMG अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है, MCI अप्रूव्ड है, वर्ल्ड रैंक के अंदर उसका कहीं पे भी नामो निशान नहीं. कोर्स ड्यूरेशन जो रहता है 4 to 4.5 years रहता है. उसके बाद आएगा ब्रिजटाउन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बारबाडोस के अंदर है, अभी तक बहुत कम प्रमोट हुआ है इंडिया के अंदर. एस्टैब्लिश जो हुआ है 2017 के अंदर, मीन्स बहुत ही नया है, 2 साल ही हुआ है उसको कम्प्लीट. KMHP अप्रूव्ड नहीं है, ECFMG अप्रूव्ड नहीं है, WHO की लिस्ट के अंदर है, MCI अप्रूव्ड है, वर्ल्ड रैंक के अंदर नामो निशान नहीं है कहीं. करीबन बजट 60 लाख बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे PG करने जा रहे हो US में तो वहाँ पे खर्च मिला के 1.21 crore के आसपास होना ही होगा. लेकिन इट्स नॉट अ रिलायबल ऑप्शन. और क्यों नहीं रिलायबल वो भी बाद में हम लोग बात करें. एक और यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ बारबाडोस, जो भी 2017 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था. KMHP लिस्टेड नहीं है, ECFMG अप्रूव्ड नहीं है, WHO का लिस्ट में है और MCI की लिस्ट में है. कोर्स ड्यूरेशन जो अगर बात करेंगे 4 to 5.5 years का कोर्स ड्यूरेशन है. बजट अगर देखेंगे तो सब कंप्लीट होके 1.3-1.4 crore तक जाएगा. अगर हम लोग बारबाडोस की बात करेंगे, डोमिनिका भी बोलते हैं उसको, बारबाडोस को, उसका अगर हम लोग बात करेंगे लिविंग एक्सपेंस, यस ज्योग्राफी लेवल बड़ा है तो कुछ कुछ चीज़ों की प्राइस वहाँ पे वेरिएबल आपको मिलेगी कंपेयर टू द ग्रेनेडा. अगर मिल्क की बात करेंगे 81.76 rupees है. अगर मिल्क की बात करेंगे तो 81.76 rupees है, जो कि इंडिया से 20-30 rupees ज़्यादा है. राइस की बात करेंगे वह 104 rupees है. एप्पल की बात करेंगे 595, एक्सट्रीमली हाई प्राइस है वहाँ पे. बनानास जो है 144, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस बोल सकते हैं. ऑरेंज भी बहुत महंगा है, 318 rupees के रेट पे है. टमाटो 478 के, पोटैटो है 285 के रुपीज़ पे, ऑनियन जो है 159 पे,
वाटर है, आप देख सकते हो मैंने जो बोला था कि एग्रीकल्चर बेस्ड वाटर नहीं होता है, उसकी वजह से 132 रुपए का पानी मिल रहा है वहाँ पे बॉटल। बॉटल की जो हम लोग बात करें 1.5 लीटर का पैड जो जार होता है उसकी बात कर रहा हूँ, काफ़ी महंगा है पानी वहाँ पे, करीबन 6 से 7 गुना महंगा है, जो कि अपना बेसिक रिक्वायरमेंट है। गैसोलीन की हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट इंडियन प्राइस है, इंटरनेट अगेन महंगा ही है, अपार्टमेंट सिमिलर प्राइस है। क्राइम इंडेक्स की बात करेंगे इट्स नॉट गुड कंपेयर टू द कनाडा। तो देखिए मैं अगर ये बातें कर रहा हूँ सब चीज़ों की, तो कोई बोलेगा भाई तुम राशन की दुकान खोल के बैठे हो कि क्या कर रहे हो। इसी जब आप पढ़ाई करने जाते हो तो सिर्फ पढ़ाई अकेला फीस मायने नहीं रखता है, वहाँ पे चीज़ों का प्राइस भी मायने रखता है, क्योंकि आपको वहाँ पे 6 साल 7 साल निकालना है। आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, आपने 2 साल के लिए पे कर दिया, तीसरे साल आपके पास पैसा ही नहीं है, आप इंडिया रिटर्न आओगे उस टाइम पे घर भी आपका बिक चुका होगा पैसे पे करने के लिए। पेरेंट्स को जान देने की बात आ जाएगी, ये कंसल्टेंट लोग प्रमोट कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स की लाइफ बर्बाद होने के चांसेस है। कई पेरेंट्स की पूरे लाइफ की पूंजी लगी होती है इसके अंदर, बच्चों के कई बड़े सारे ड्रीम लगे होते हैं इसके पीछे। कई बार मेरी बातों का बुरा लगता है कई कंसल्टेंट को, मैंने बीच में एक वीडियो डाला था कुछ बेलारूस के बारे में, कुछ लोग बोल रहे थे मेरे बारे में गलत, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ से। एडमिशन देते हो नहीं देते हो ये बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ चीज़ें उजागर करने की जो कि नहीं की जा रही है। लोग फ्रॉड बना के पेरेंट्स से पैसे हट रहे हैं। सी इंडिया के अंदर जो मेंटालिटी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये मेंटालिटी है कि बाजू वाले के पास मर्सिडीज है मेरे को भी लानी है, कुछ भी करके लानी है, मैं कुछ भी गलत करूँगा लेकिन मैं ये करूँगा। और ये करने की वजह से लोग गलत राह पे चले जाते हैं कंसल्टेंट लोग, और गलत चीज़ें प्रमोट करते हैं, बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है, उनका खुद का कोई एथिक्स नहीं है कि बच्चों को क्या करवा रहे हैं वो लोग, बच्चे का कितना बड़ा ड्रीम है जो ब्रेक होने के चांसेस है इसमें, और मेजोरिटी बच्चे के इसमें ब्रेक हो रहे हैं। सक्सेस रेशो बहुत कम है यहाँ पे, वो दिखाया जा रहा है वो चीज़ अलग है और जो रियलिटी वो अलग है। वो नहीं समझेंगे तो आप नहीं मान पाएंगे ये चीज़ को। हम लोग बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपको जो भी हो सके बारे में डिस्कस करना मेरे को पूछिए, मैं बता सकता हूँ। सी द कंसल्टिंग बिजनेस इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी। यस, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका घर चलाना है, वो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि दूसरों के ऊपर पैर रख के आप आगे बढ़ो। जो इंडिया के अंदर आज की डेट में 95-97% लोग कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट हूँ मैं। कैरेबियन के जैसे दूसरे जगह पे ऑफर होता है हमको भी आते हैं ऑफर, हम लोग मना कर रहे हैं और हमने किया हुआ। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सेंट लूसिया, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी जो आया हुआ है स्पार्टन हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, 1980 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। एक्रेडिशन था उसका केएमएचपी का 2080 तक का था, ईसीएफ इंडिया अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है, एमसीए अप्रूव्ड है, लेकिन वर्ल्ड रैंक में कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं। करेंसी जो है 26.26 के आसपास है, 4 ईयर्स का ड्यूरेशन है। एफएमजी का जो रिजल्ट रहा था 48.50। अभी यहाँ पे मेरे को एक चीज़ में हंसी आती, अगर बच्चे सब यूएस में जा रहे हैं, ये स्पार्टन जो प्रमोट कर रहे हैं वो मार्केट में दिखा रहे हैं कि यूएस अमेरिका सक्सेस रेशियो 80% to 85% है। यूएस का सक्सेस रेशियो 80% to 85% है, तो ये एफएमजी देने के लिए कौन से बच्चे आ गए? ये वही बच्चे आए जो वहां पे यूएसएमएली क्रैक नहीं कर पाए। यहाँ पे बहुत पिक्चर क्लिक हो जाता है सबके लिए, जो पेरेंट्स सोच रहे हैं ना कि बच्चा यूएसए जाएगा, बच्चा यूएसए गया तो ये कौन से बच्चे यहाँ पे आए, मेरे घर के तो नहीं है, नहीं दूसरे कोई कंट्री के है, जो भी आए इंडियन है। तो अगर यूएस जाने का ड्रीम था तो इंडिया क्यों रिटर्न आ गए?
सोचने की बात है, नो डाउट रिजल्ट एफएमजी का काफ़ी बेटर है उसका, लेकिन उसके लिए आप वहाँ पे 85 लाख to 1 करोड़ रुपीस पे कर रहे हो, वो गलत है। इतना ज़्यादा पैसा क्यों पे करना है? अगर आप इसका क्रिमिनल इंडेक्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर स्पार्टन इतना ज़्यादा, चलिए एफएमजी का मैंने मान लिया रिजल्ट अच्छा है, तो बांग्लादेश का इससे भी बेटर है, तो बांग्लादेश भेजिए ना। इवन क्राइम इंडेक्स इज बेटर देन सेंट लूसिया, अभी आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सेंट लूसिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरी बात, पॉपुलेशन 1.79 लाख, ग्रेनेडा के अंदर 1.80 थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी था। सेंट लूसिया में कितना है वो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। दूसरा एक यूनिवर्सिटी है सेंट लूसिया में, इंटरनेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था, केमएचपी अप्रूव्ड है अप टू 2020, एसएफएमबी अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचए अप्रूव्ड है, एमसीए अप्रूव्ड है। एफएमजी का रिजल्ट बेटर देन स्पार्ट 50%, सोचने की बात। छोटा सा कंट्री, 180 का पॉपुलेशन, दो यूनिवर्सिटी, अभी और भी है अमेरिकन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश हुई थी 2007 के अंदर। एफएमजी का रेशियो है 34.78 और 2015 में जो उसका रेशियो था 16.68 था। एक्रेडिशन केमएचपी ने डिनाई किया हुआ है, दिया नहीं गया है, इसे एफएमजी अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है, एमसीआई अप्रूव्ड है। 4 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन। सेंट लूसिया का अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला यहाँ पे मैं उल्टा बात करूँगा, क्यों? उसका क्रिमिनल इंडेक्स, अगर नीचे आप देखेंगे राइट साइड कॉर्नर के अंदर क्राइम इंडेक्स उसका है 56.76 और सेफ्टी इंडेक्स कितना है 43.24, मीन्स क्राइम ज़्यादा है सेफ्टी कम है वहाँ पे। सबसे पहली बात, 3 से 4 यूनिवर्सिटी है जिनका बच्चा एमसीए एग्जाम दे रहा है और हर एक का रेशियो 30% के ऊपर का है, मीन्स यूएसए बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ से क्लियर हो रहा है ये चीज़, करोड़ रुपया पे करने के बाद आप वहाँ पे आपका लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा एक दिक्कत हो रहा है आपके लिए। बाकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड कितना महंगा है वहाँ पे, जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ट्यूशन फीस दिखा रहा जा रहा है। अगर एकोमोडेशन का कॉस्टिंग की आप बात करेंगे तो आप देख सकते हो आपकी नज़र के सामने है, ये आज यहाँ पे बनिया की दुकान खोल के बैठना पड़ा है। उसका रीज़न यही था कि पेरेंट्स मिसगाइड हो रहे थे, किसी और के ऊपर जो समझा रहे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। मे बी शायद ये वीडियो देखने के बाद उनको एक भरोसा हो जाएगा और ये वेबसाइट तक मैं आपको लिंक दूंगा जहां पे प्राइसिंग का कंपैरिजन दिया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे मिल्क प्राइस 252 रुपीज, मैं समझ सकते हो आप कि इंडिया से करीबन 6 गुना 7 गुना महंगा प्राइस, ऑलमोस्ट इंडियन प्राइस है 70 के आसपास। एप्पल 398 महंगा है, बनाना इंडिया के प्राइस के नज़दीक में है, ऑरेंज 80 रुपीज़ ऑलमोस्ट नज़दीक है, टोमेटो महंगा है, पोटेटो अगेन महंगा है, ओनियन भी महंगा है। पानी की बात करें, लाइक मैंने जो बोला था आपको कि कैरेबियन है पानी महंगा ही रहेगा, गैसोलीन आप दे सकते हो 85.21, इंटरनेट काफ़ी महंगा है करीब कंपेयर टू द बारबाडोस एज वेल एज द इंडिया। अपार्टमेंट का जो प्राइस है कम है, 18,000 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन बाकी सब प्राइस में अगर वाटर की बात करें या दूध की बात करें जो रेडी मीन्स रेगुलर आपकी ज़रूरत रहने वाली। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेलीज की, बेलीज के अंदर हम लोग बात करेंगे 1996 में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी, पॉपुलेशन काफ़ी बेहतर है 3,75,000 मीन्स ऑलमोस्ट 4 लाख का पॉपुलेशन बोल सकते हो, करेंसी जो है 35.10 रुपीज़, केमएचपी अप्रूव्ड नहीं है, ई सी एफ एम जी अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है, एमसीआई अप्रूव्ड है। वर्ल्ड रैंक की अगर बात करें तो करीबन 10,500 का रैंक है उसका, 4.5 और उसका सिलेबस है। एफएमजी का अगर रेशियो देखेंगे 13.16% है, उसकी जो
बेसिक जो चीज है वो आप पीछे बैकग्राउंड में फोटोज है आप देख सकते हो। ग्रेस यूनिवर्सिटी है 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था, केमिस्ट्री अप्रूव्ड नहीं है, ECFM भी अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है, MCA अप्रूव्ड है, वर्ल्ड रैंक में कहीं पे उसका नामो निशान नहीं है। उसके बाद आप बात करेंगे कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन जो कि अभी बहुत प्रमोट हो रहा है, 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था, केमिस्ट्री का अप्रूवल नहीं है उसके पास, ECFMG अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है, MCA अप्रूव्ड है, लेकिन कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है उसका कि कोई बच्चे ने FMG दिया है कि USMLE दिया है। दूसरी उसकी बिल्डिंग की डिज़ाइन भी आप देख के मान सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जैसा बिल्डिंग है उसका। अब जो जो यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग देख के उसका लेवल का पता चल सकता है। उसके बाद आता है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेलीज के अंदर, अगेन 2012 के अंदर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था, केमिस्ट्री अप्रूव नहीं है, ECFMG WHO अप्रूव्ड है, MCA अप्रूव्ड है, वर्ल्ड रैंक में कहीं पर नामो निशान नहीं है। गली के नुक्कड़ पे चार रास्ते पे एक अपार्टमेंट को कॉलेज बना दिया गया है, आप उसके फोटो देख सकते हो। और यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करना है वो आपको जानना है, घर बैठे तो भी आप हमको कॉल कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। सिंपल प्रोसेस है, गूगल मैप पे जाइए, यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, उसका सैटेलाइट व्यू कीजिए क्लिक, और उसका फिर 3D व्यू ओपन कीजिए। 3D व्यू ओपन करेंगे आपको यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग का पूरा चिट्ठा मिल जाएगा। वहाँ बेलीज के लिविंग एक्सपेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे मिल्क का जो रेट है 143 रुपीज़, राइस 107 रुपीज़, एप्पल जो है 214 रुपीज़, बनाना 62.30, ऑरेंज 71.59, टोमेटो 196, पोटैटो है 89, ऑनियन जो है आपका 98 रुपीज़, वाटर का जो रेट है 96.77 है, गैसोलीन है 98 रुपीज़, इंटरनेट 6000 रुपये के आसपास है, अपार्टमेंट जो मिल रहा है वहाँ पे 20,000 का मिल रहा है, और क्राइम इंडेक्स काफ़ी ऊपर है 63.32, ऑलमोस्ट 64% का क्राइम इंडेक्स है। इट्स नॉट गुड ऑप्शन फॉर यू एनी हाउ। उसके बाद बात करेंगे सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस, उसके अंदर जो आया हुआ यूनिवर्सिटी है सेंट जेम्स स्कूल ऑफ मेडिसिन, अगेन पॉपुलेशन बहुत कम है, 101,000 के आसपास है, 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था, करेंसी की बात करेंगे 26.25 रुपीज़, बिल्डिंग आपको देख के पता चल सकता है कि कितना छोटा सा बिल्डिंग है उसका। KMHP अप्रूव्ड जो था वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है, ECFMG अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है, MCI अप्रूव्ड है, और वर्ल्ड रैंक के अंदर उसका रैंक बेटर देन अदर्स है, 8028 है इन द कैरेबियन। So, इसको एक अच्छा ऑप्शन लेके चल सकते हो। दूसरी बात करेंगे तो ट्रिनिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, 2008 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, वहां पे भी सेंट जॉर्ज जैसा सेम सिस्टम है, MCAT का क्वालिफाइड होना जरूरी है, उसके बाद ही आप वहां पे एडमिशन ले पाओगे, लेकिन यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग देख के मेरे को उतना बेटर ऑप्शन नहीं दिख रहा। कैरेबियन का एक्रेडिटेशन है उसको, CFMG, WHO सब अप्रूव्ड है, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो है बिल्डिंग क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। एक्सपेंस की बात करें अगेन मिल्क 176 रुपीज़, राइस 107, एप्पल 1 kg 325 का है, बनाना 124 है, ऑरेंज जो है 98 है, टोमेटो 124, पोटैटो 172, ऑनियन 98, वाटर जो है 135, गैसोलीन 336, इंटरनेट सस्ता है, अपार्टमेंट महंगा है, क्राइम इंडेक्स जो है 36.76 है, इट्स गुड लाइक इंडिया ओनली, सेफ्टी इंडेक्स जो है 63.24, मीन्स बेटर ऑप्शन बोल सकते हो आप। उसके बाद सेंट किट्स आता है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आई हुई है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है 1998 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, 53,500 का पॉपुलेशन है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, FMG का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है 11.51 है, 26.25 करेंसी का उसका रेट है, 4 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, बिल्डिंग देख के पता चल सकता है कि पहाड़ों के बीच में एक जंगल के बीच में आया हुआ ऑप्शन है ये, KMHP नॉट लिस्टेड है, WHO ECFMG अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है, MCA अप्रूव्ड है, वर्ल्ड रैंक के अंदर उसका नामो निशान नहीं है। दूसरा है कि विंसन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन जो सिमिलर 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था,
कि एम एच पी एक्रीडेशन नहीं है, इस एफ एम जी अप्रूवल है, डब्ल्यू एच ओ अप्रूव है, एम सी आई अप्रूव है, 4 to 5 years का प्रोग्राम से वहाँ पे। एफ एम जी का जो रिजल्ट था वो 21.43 रहा था 2018 के अंदर। उसके बाद आता है अमेरिकन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, जिसका एम सी आई का रिजल्ट था 14.33, एम एच पी अप्रूव नहीं है, इसे एफ एम जी अप्रूव नहीं है, डब्ल्यू एच ओ का लिस्ट में भी नहीं है, एम सी आई का लिस्ट में भी नहीं है, वर्ल्ड रैंक में तो नामिनेशन होने की चांस ही नहीं है इसके, तो इसको आप लेके नहीं चल सकते। सेंट किट्स का लिविंग स्टैंडर्ड की अगर आप बात करेंगे, 2266 अमेरिका प्राइस है, राइज है 107 है, एप्पल 325 है, बनाना 251 है, ऑरेंज जो है 475 है, टमाटो 158 है, पोटेटो 158 है, ऑनियन 162 है, और वाटर का प्राइस है 80 रुपीज़ के आसपास, गैसोलीन ऑलमोस्ट डबल प्राइस है, इंटरनेट भी महंगा है, लिविंग बहुत ही महंगा है, करीबन 1 लाख रुपीज़ दिन के चल सकते हैं आप, और क्राइम इंडेक्स है वो बेटर है लाइक इंडिया। एंटीगुआ बारबुडा करके जो करेबियन आइलैंड है वहाँ पे जो आया हुआ है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ कॉलेज ऑफ मेडिसिन 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था, एक्रेडिटेशन 4 years का उसको मिला हुआ है, डब्ल्यू एच ओ इसी एफ एम जी एम सी अप्रूव्ड है, वर्ल्ड रैंक के अंदर उसका काफ़ी अच्छा रैंक है कम्पेयर टू अदर 6541। पॉपुलेशन 1,02,000 के आसपास है, करेंसी जो है 26.26 है, इट्स बेटर। एंटीगुआ के अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो मिल्क है 132, राइस है आपका 106, एप्पल का प्राइस नहीं है हमारे पास अवेलेबल, बनाना 159, ऑरेंज का भी नहीं है, टोमेटो नहीं है, पोटेटो नहीं है, उस प्राइस नहीं है, वाटर अगेन 80 रुपीज़ के आसपास, गैसोलीन 150, इंटरनेट 5 to 0 रेट है, अपार्टमेंट भी काफ़ी महंगा है, करीबन $500 के आसपास का एक्सपेंस लग रहा है, क्राइम इंडेक्स काफ़ी ऊपर है, तो क्राइम इंडेक्स की वजह से इसको सिलेक्ट ना करें उतना बेटर है। अभी बात आएगी गयाना, जॉर्ज टाउन गयाना, पॉपुलेशन यस काफ़ी बेहतर है, 2005 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था, करेंसी जो है इट्स नॉट गुड, 0.34 रुपीज, कोर्स ड्यूरेशन है 4 to 5 years, बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी का आप पीछे देख सकते हो, कैम एच पी एक्रेडिटेशन नहीं है, अप्रूव्ड है ESECFMG के थ्रू, डब्ल्यू एच ओ के थ्रू अप्रूव्ड है, एम सी आई लिस्टेड है, वर्ल्ड रैंक करीबन 12,000 के आसपास है, सो इट्स नॉट अ गुड नॉट अ बैड ऑप्शन। टैक्सिला नेवर गुड ऑप्शन फॉर एनी स्टूडेंट, आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स हु फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द टैक्सिला, सो आई नेवर सजेस्ट टैक्सिला, आपको जाना है आप जा सकते हैं, हाँ एम सी आई क्लियर करना है, एम सी आई का रेशियो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर 85 लाख रुपीज डाल के वो लेने का कोई मतलब नहीं। 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था, एक्रेडिटेशन उसका केमिस्ट्री का डिनाई किया गया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, इसे एफ एम जी अप्रूव्ड है, डब्ल्यू एच अप्रूव्ड है, एम सी आई लिस्टेड है, वर्ल्ड रैंक की बात करें तो कहीं भी उसका नामोनिशान नहीं है, लेकिन ये कभी भी मेरे लिए बेटर ऑप्शन नहीं है, मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा। अलेक्जेंडर अगेन लाइक टैक्सिला ओनली, केमिस्ट्री अप्रूव्ड नहीं है, इसे एफ एम जी अप्रूव्ड है, डब्ल्यू एच ओ का लिस्ट में सिर्फ है नाम, 4 to 5 years का कोर्स है। लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी, कैम एच पी नॉट लिस्टेड, इसे एफ एम जी अप्रूव्ड है, डब्ल्यू एच ओ लिस्टेड है, एम सी ए लिस्टेड है, 2017 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। गयाना का प्राइसिंग की अगर बात करेंगे तो 135 रुपीज़ का दूध मिल रहा है वहाँ पे, राइस है 263 रुपीज़, एप्पल 263 रुपीज़, बनाना 113, ऑरेंज 85 रुपीज़, टोमेटो 129 रुपीज़, पोटेटो 59, ऑनियन जो है 54, वाटर जो है 107.98, गैसोलीन है 75.37, इंटरनेट महंगा है, बट बिकॉज ऑफ द क्राइम इंडेक्स मैं कभी भी गयाना सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा क्राइम इंडेक्स है, तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। उसके बाद कुराशाओ की बात करेंगे, एवलोन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक बार ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है एम सी ए के अंदर, 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक टू गयाना, नीदरलैंड बोल के प्रमोट किया जाता है, बोलते हैं कि यहाँ पे कैरेबियन की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, नीदरलैंड को अमेरिकन कंट्री कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। कैम एच पी नॉट एक्रेडिटेड, आई सी एफ एम बी अप्रूव्ड है, डब्ल्यू एच ओ नॉट लिस्टेड,
नो ECFMG आल्सो नॉट देयर, WHO नॉट देयर, MCI सिर्फ लिस्टेड है, इट्स नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद करेंगे सेंट मार्टिनियस, 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, केमएचपी एक्रेडिटेशन नहीं है, ECFMG अप्रूव्ड नहीं है, WHO लिस्टेड नहीं है, MCI सिर्फ लिस्टेड है। इंडिया अगर आपको आपको पढ़ाई करनी है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, अदरवाइज इट्स नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। न्यूयॉर्क मेडिकल यूनिवर्सिटी अगेन कुरासाओ के अंदर, KMHP नहीं है, ECFMG नहीं है, WHO नहीं है, सिर्फ MCI लिस्ट है, अगेन सेम सिनारियो। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि KMHP की जरूरत नहीं होती है कुरासाओ को, तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि जेवियर यूनिवर्सिटी कुरासाओ है, उसको KMHP का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, उसने क्यों लिया हुआ है, 2021 तक का उसको मिला हुआ है, अगर वो कैरेबियन में बिलोंग नहीं करता तो उसको KMHP अप्रूवल ही नहीं मिलता। ECFMG लिस्टेड नहीं है, WHO लिस्टेड नहीं है, MCI लिस्टेड है, ऐसा मीन्स आप कैरेबियन में प्रैक्टिस कर सकते हो और इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। जॉन कैनली स्कूल ऑफ मेडिसिन कुरासाओ, अगेन 2021 तक का एक्रेडिटेशन उसको मिला हुआ है, बाकी कोई भी एक्रेडिटेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है। प्राइसिंग की बात करेंगे कुरासाओ की, ऑलमोस्ट आपके सामने है, क्राइम इंडेक्स भी काफ़ी ऊपर है, तो आई विल नेवर सजेस्ट यू फॉर गो फॉर द कुरासाओ। उसके बाद अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ऑल अमेरिकन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो कि जमैका में आया हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ था 2011 के अंदर, इनिशियल उसको प्रोविज़न मिला था जैसे AUV को मिला हुआ है उस टाइप का, लेकिन वो विड्रॉ कर लिया गया है क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर पाया जो क्राइटेरिया था वो। ECFMG अप्रूव्ड है, WHO के अंदर लिस्टेड है, MCI लिस्टेड है, वर्ल्ड रैंक में कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं। पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे कैरेबियन जोन के अंदर, 28 लाख के आसपास का पॉपुलेशन है। करेंसी रेट बहुत डाउन है, 0.53 है। कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें, 4 से 5 साल का कोर्स है। जमैका अगर हम लोग उसका लिविंग एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे तो जो मिल्क का रेट आता है करीबन 134 के आसपास आता है, राइस जो है सस्ता है 50 रुपीज़ के आसपास है, एप्पल 160 के आसपास, बनाना है 1 kg के आसपास, ऑरेंज जो है 142 के आसपास, टोमेटो 32 रुपीज़, पोटेटो 42 रुपीज़, ओनियन है 32 रुपीज़, वाटर का जो रेट है 87 है, बाकी सब चीज़ें सस्ती है लेकिन पानी तो महंगा ही है यहाँ पे, जैसे हमने बताया था आपको। गैसोलीन ऑलमोस्ट इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है रेट। इंटरनेट का अगर बात करें तो 2800 के आसपास का रेट है पर मंथ का। अपार्टमेंट की अगर बात करते हैं 1 bedroom का तो करीबन 36,000 रुपीज़ के आसपास का। ड्रॉबैक जो है वो है क्राइम इंडेक्स, क्राइम बहुत ज़्यादा है 66% के आसपास, मे बी 70% भी बोल सकते हैं, तो 70-30 का रेशियो है, क्राइम इंडेक्स 70% है, 30% जो है उसका सेफ्टी इंडेक्स है। तो ऑलमोस्ट हर एक कैरिबियन कंट्री को हमने कवर करने को भी इसमें ट्राई किया था। अगर हम लोग बात करते हैं जो इंटरनेट का प्राइस हमने देखा हर एक कंट्री के अंदर करीबन 2,000-2,500 के ऊपर है, जबकि अगर हम लोग इंडिया का वैल्यूएशन चेक करते हैं तो करीबन 550 के आसपास आता है, उससे भी सस्ता है, लेकिन हम लोग बेसिक प्राइस एक दिन के चल सकते हैं। एकोमोडेशन की बात करते हैं 1 bedroom का उसका, तो अगर इंडिया में छोटे सिटी में आप जाते हो तो 5,000 के आसपास मिलता है, बड़े सिटी में जाते हो तो 10 से 12,000 में मिल जाता है। क्राइम इंडेक्स अगर इंडिया का हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास जाता है दिल्ली में, और बाकी सब सिटी में उससे कम है। तो कैरेबियन बेसिकली क्या है? कैरेबियन एक्चुअली कैसे पिक्चर में आया? सी US के अंदर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते करते सक्सेस नहीं हो पा रहे जो MCAT के अंदर, वो बच्चों के लिए एक इजी ऑप्शन था कैरेबियन, शुरू हुआ था US को टारगेट करके। इंडिया से तो काफ़ी डिस्टेंस पे है, अगर कैरेबियन की बात करेंगे टिकट का कॉस्टिंग आप देखेंगे तो 1 lakh rupees से नीचे टिकट नहीं मिलती है वहाँ पे। US वालों को एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सब इजी हो जाता है कंपेयर टू देयर कंट्री, क्यों? क्योंकि वो लोग का पैसा काउंट होता है डॉलर में, US में उससे कम रेट में यहाँ पे हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ से इंडिया से जा रहे हैं यूक्रेन रशिया चाइना या फिलीपींस या बेलारूस, वैसे ही US के लिए कैरेबियन है वो एक लो बजट ऑप्शन है।
एमसीआई का रेशियो अच्छा है मैं मानता हूँ. रीज़न एक ही है कि कैरेबियन की मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के ऑनर्स जो है वो इंडियन है, साउथ इंडियन है, तो टीचिंग स्टाफ रहेगा इंडियन रहेगा, वो मे बी एमसीआई क्वालिफाइड भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप का दिक्कत रहता है बाकी सब कंट्री में यहाँ पे नहीं रहता है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है. तो ड्रॉबैक क्या होता है, पेशेंट फ्लो कम है, सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना नहीं मिलेगा आपको. सो मेरे हिसाब से अगर कैरेबियन को आप चूज कर रहे हो, सबसे पहला सेफ्टी को नज़रअंदाज मत कीजिए. सेफ्टी इट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी. दूसरी बात आती है लिविंग एक्सपेंस. अगर हम लोग पानी की एक बॉटल का 100 रुपया गिनते हैं 1.5 लीटर का, कोई भी पर्सन का 4 लीटर का कंजम्पशन होता है पूरे दिन का पानी पीने का. महीने भर का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो महीने भर का कैलकुलेशन आपका हो जाता है करीबन 1200 लीटर. पूरे साल भर का आप गिनेंगे तो 12000 लीटर. 100 रुपये के हिसाब से आप गिनेंगे तो पानी का ही खर्च कितना हो गया आपका, सोचने की बात है. 40 रुपये के हिसाब से, अरे 100 रुपये के हिसाब से 400 रुपये पर डे का पानी का ये खर्च हो रहा है. महीने भर का आपका हो रहा है करीबन 400 रुपये के हिसाब से आप काउंट करेंगे 30 डेज का 12000 रुपये. 12000 के हिसाब से 10 वीक के काउंट करेंगे तो करीबन 1.5 लाख रुपये का तो पानी का यूज़ होगा आपका. खाना पकाने में भी आप पानी का यूज़ करेंगे, वो तो मैं गिन नहीं रहा हूँ अभी. नॉर्मल वाटर वहाँ का आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि स्टोन पेन हो सकता है आपको, हेल्थ से आपको प्रॉब्लम हो सकता है. दूसरा फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, पानी खारा ही रहता है, नहाते आप पानी से फंगल इन्फेक्शन स्किन डिसीज होते हैं आपको. मीन सर्वाइव करना जो दिखता है बहुत डिफिकल्ट होता है. आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर चेक करना है तो यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल में चले जाइए, 4 दिन तक जाइए कॉन्स्टेंट, 4 दिन तक पानी में पड़े रहिए, आपको उसका रीज़न पता चल जाएगा. खाने का वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि एक आइलैंड है, खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं है, उनको बाहर से इंपोर्ट करना है. अवेलेबल होगा तो आपको अवेलेबल होगा, अदरवाइज तो आपको फिर कुछ भी खा के चला लेना पड़ेगा. वेस्ट इंडीज़ वाले चला सकते हैं क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन, लेकिन फॉर द वेजिटेरियन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. सो अकॉर्डिंग टू मी कैरेबियन इज नेवर गुड ऑप्शन फॉर द इंडियन स्टूडेंट. बट जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनको खुद के बच्चों को अपने सामने रख के सोचना चाहिए कि अगर खुद के बच्चे हो गए तो कैरेबियन में भेजेंगे क्या कि नहीं भेजेंगे. मैं कतई नहीं भेजूंगा. सो आज के लिए बस इतना ही. ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया है सब कवर करने के लिए. कुछ चीज़ें हमने बहुत जल्दी में भी बोली होगी. अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज आपको कोई वीडियो की ज़रूरत रहती है आप हमारे ये वीडियो को देख के कमेंट कर सकते हैं, हम वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में भी वीडियो बना के आपको रिलीज़ कर सकते हैं. आपको ये वीडियो अगर हमारा लाइक होता है लाइक कर सकते हैं, आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप देखिए जो कमेंट डाल के क्या हमारा नेगेटिव पॉइंट हमको पता चले, हम उसका हल ढूंढने को ट्राई करेंगे. जो भी होगा वो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन, जो वेबसाइट्स हमने जो आपको रिफ़र की है वो इसके अंदर कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो आप वेबसाइट वहाँ से क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमने बोली वो गलत है कि सही है. हम जो भी बात करेंगे विद एविडेंस करेंगे. ये वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैक्सिमम ट्राई कीजिए सब्सक्राइब करने को. दूसरे लोगों को भी आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी ज़रूरी है. धन्यवाद. टेक केयर.